नमस्कार, मैं वैशाली आप सबका स्वागत करती हूँ भावा क्रिएशन के आपके अपने चैनल पे। आज का जो ट्यूटोरियल है ये एक फ्यूजन है। इसमें हम वायर रैपिंग टेक्निक जो है उसके साथ साथ ट्रेडिशनल झुमका इयररिंग कैसे बना सकते हैं, इसका एक अलग डिज़ाइन, एक इनोवेटिव डिज़ाइन मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस ट्यूटोरियल में। तो आप इस ट्यूटोरियल के साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मेरे जो ट्यूटोरियल्स हैं थोड़े लंबे रहते हैं क्योंकि हर एक डिटेलिंग जो है मैं कंप्लीट वीडियो में बताती हूँ। तो आप ट्यूटोरियल्स जो है शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मेरा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। इस ट्यूटोरियल के साथ जो व्यूअर्स आज हमारे चैनल के साथ नए से जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री है। आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही क्रिएटिव, इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मैं आपके साथ हमेशा ही ऐसे ही मिलती रहूँगी। तो चलिए हम सीखते हैं कि वायर रैपिंग टेक्निक के साथ ट्रेडिशनल झुमका इयररिंग कैसे बनाए जाए। इस झुमका इयररिंग के ट्यूटोरियल के लिए हमें इस प्रकार रॉ मटेरियल लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने मीडियम साइज़ के ऐसे गोल्डन झुमका बेस लिए हैं। वैसे ही हमें यहाँ पे 20 गेज गोल्डन वायर लगेगी। आप चाहे तो आप 21 गेज वायर भी यूज कर सकते हो इस सेम इयररिंग के लिए। इस इयररिंग के लिए हमें ऐसे घुंघरू लगेंगे, ये बिना आवाज के घुंघरू है। आप साइज जो है यही ले लीजिएगा, ये छोटे 3 mm साइज़ के घुंघरू है। वैसे ही जंप रिंग्स लगेंगे हमें और बॉल पिंस लगेंगे। यहाँ पे 4 mm गोल्डन बीड्स लगेंगे हमें। ये झुमका इयररिंग बनाने के लिए 20 गेज वायर के बंडल में से करीब करीब 1 फीट का वायर ऐसे लूज करके हमें लेना है और एकदम टिप पे यहाँ पे हम ऐसे राउंड नोज प्लायर के साथ एक लूप बनाएंगे। आप लूप थोड़ा सा मीडियम साइज का ऐसे बनाइएगा। यहाँ पे हम इसको ऐसे बैकवर्ड बेंड करके रखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल लूप का जो साइज़ है एकदम राउंड शेप में है। अभी हमने अगर ये लूप अंदर की दिशा में मोड़ा है तो अभी हमें ये टूल का ये बाहर का जो पेक है वो हमें इस तरीके से बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ ऐसे हमें टूल को पकड़ना है। और फिर आप एकदम ध्यान से देखिएगा, ये जो है ऐसे घूमेगा, मीन्स टूल जो है इस तरह घूमेगा। फिर जब ये इस वायर को टच होगा तो मैंने टूल को निकाला, फिर ये वाला पेग जो है बाहर की तरफ का वो हमने डाला और फिर ऐसे पकड़ेंगे हम इसको। ये पहले ये लूप जो है इस तरफ था, अभी इस तरफ आया है और फिर हम ये जो है ऐसे घुमाते हुए इसको ये कंप्लीट करेंगे। तो आप ये दोनों का पोजीशन आप देख लीजिएगा, ये जो है लूप इस तरफ है और अभी जो हमने बनाया वो बाहर की तरफ है। अभी सेम ये दो पेग जो है उसका अंदर का जो पेग है वो हम फर्स्ट लूप में डालेंगे इस प्रकार। और सभी आप जो है ये लूप बनाते वक्त बिल्कुल टूल जो है ऐसे इरेक्ट पोजीशन में ही आपको पकड़ना है। फिर ये वायर जो है ऐसे ही सेम घूमेगा सेकेंड लूप के लिए, लेकिन इस पेग के अराउंड घूमेगा, ये जो पेग है उसके अराउंड। तो घूमने के लिए ये हम टूल को ऐसे पूरा घुमा देते हैं। जैसे ही इस वायर को पहले वाले लूप को टच होगा हम टूल को निकाल लेंगे। अभी ये जो पोजीशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में निकल गई। अभी ये वाला पेक हम अंदर डालेंगे इस तरीके से और बाहर का ओपन रहेगा और फिर वायर हमें ऐसे घुमा के फिर ये वाले पेक को, इस वाले पेक को टच करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल उसके आगे और एकदम उसको चिपक के दूसरा लूप यहाँ पे बन गया। हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं चाहिए, एक के आगे दूसरा ऐसे चाहिए। अभी ये दूसरा लूप भी बन गया। ऐसे ही हमें सेम प्रोसीजर के साथ 5 जो लूप है वो लूप बनाने हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए तीसरा बन गया। फिर मैंने ये वाला अंदर डाला पहले लूप में पहला पेक, फिर दूसरे लूप के अराउंड ऐसे हम एक राउंड करेंगे, फिर डालने के बाद फिर पहला ऐसे करके ये एक के आगे एक ऐसे
पांच लूप हम बनाएंगे। ये देखिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल एक के आगे दूसरा, दूसरे के आगे तीसरा, ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे पांच लूप यहाँ पे बन गए। अभी सिर्फ नीचे वाला जो लूप है उसको थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडेंगे तो परफेक्ट ये इसके नीचे आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ से इस मार्क से 2 इंच तक वायर रखेंगे और फिर हम एक्स्ट्रा जो वायर है वो कट करेंगे। ये हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन जब हमें वायर ऐसे घुमाना है तो थोड़ा सा लंबा वायर हाथ में होना चाहिए, तो इसके लिए हमने ये बाद में कट किया। तो ये बेस जो है इयररिंग का, झुमकी का, वो वायर के साथ ऐसे ही बना सकते हैं हम। जैसे हमने एक पीस बनाया वैसे ही मैंने ऑलरेडी और एक बना के लिया है। आप यहाँ पे साइज जो है वो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि दोनों का ये जो राउंड वाला पोर्शन है वो एकदम सिमेट्री सेम लेंथ में होना चाहिए। अभी हमें ये जो झुमकी है उसके नीचे 4 mm गोल्डन बीड्स है वो हमें बॉल पिन के साथ इसके नीचे ऐसे लटकन करने हैं। तो उसके लिए हम कुछ बॉल पिन्स लेके बीच में कट करेंगे और उसमें 4 mm का एक एक गोल्डन बीड डाल के यहाँ पे लेंगे। हमने अभी ये जो बीड डाले हुए बॉल पिन है वो हम लेंगे और यहाँ पे झुमके के नीचे हमें अटैच करना है। तो उसके लिए अंदर के साइड से हम एक होल में डालेंगे और ये जो बीड है पॉलपिन को फोल्ड करके कुछ इस तरीके से हमें पकड़ना है और झुमकी जो है वो नीचे छोड़ देनी है और फिर हमें इस प्रकार ये ऊपर लेके फिर इसके बीच में ऐसे 2 से 3 बार डाल के वो ऐसे राउंड अप करना है। और जहाँ पे आप राउंड नोज प्लायर पकड़ोगे सेम वहीं पे ही आपको एवरी टाइम पकड़ना है। तो ये लूप का जो साइज़ है वो अराउंड झुमकी एक समान आएगा। जैसे कि अभी हम दूसरा लेंगे, नेक्स्ट होल में डालेंगे, ये थोड़ा ऊपर लेंगे और फिर यहाँ पे मैंने पहले पकड़ा था तो अभी भी मैं वहीं पर ही उसको पकड़ के ये ऐसे ऊपर लूँगी और फिर 2 से 3 बार हम इसको ऐसे डाल के खींचेंगे। ये देखिए, फिर एक्सेस हम कट करेंगे। ऐसे ही हमें ईच एंड एवरी होल में डाल के ये जो लटकन है वो हमें रेडी करना है। तो वो मैं यहाँ पर करके ले रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईच एंड एवरी पीस में हमने ये ऐसे लटकन कर दिया है। अभी हमें ये जो पीस है जो हमने बना के रखा है वो लेना है। अभी हम एक रिंग लेंगे, रिंग को जो है खोलना है हमें इस तरीके से और फिर इसमें हम 5 घुंघरू जो है वो डालेंगे। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो अगर आपको आप चाहे तो। ये हमने डाला और अभी ये जो बेस है, बेस के ये वाले लूप में नीचे के झुमका जाएगा हमारा, तो उसके ऊपर के लूप में हम इसको डालेंगे और फिर इसी तरीके से हमें क्लोज करना है और फिर दोनों को पकड़ के रिंग का जो साइज़ है वो थोड़ा हमें छोटा करना है। ये डालने के बाद ही आप कर सकते हो। ये देखिए, ये अच्छे से रिंग जो है ओवरलैप करके क्लोज करनी है। ऐसे हमने फर्स्ट लूप में ये 5 लटकाए, वैसे ही हम ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हर एक लूप में एक एक रिंग के साथ 5-5 जो घुंघरू है वो हम अटैच करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने ईच एंड एवरी लूप में एक एक रिंग के साथ 5-5 जो घुंघरू है वो अटैच किए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना अच्छा ऐसे बंची लुक आया है और लुक भी नहीं दिखेंगे, तो जब ये पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक देगा। अभी हमें ये हमने नीचे का जो लुक रखा था उस लुक में हमें झुमका जो है लटकन के साथ जो हमने रेडी किया है उसको सिर्फ हमें ऐसे अटैच करना है और ये भी अच्छे से क्लोज कर देना है। और यही वायर जो हमने ऊपर की तरफ 2 इंच की छोड़ी है उसी के साथ हमें इसका हुक बनाना है। अगर आप उसके साथ हुक बनाना नहीं चाहते तो आप अलग से ईयर हुक बना के भी इसको अटैच कर सकते हैं। अभी सिर्फ हमें इस तरीके से पकड़ना है, थोड़ा सा वायर को बाहर की दिशा में मोड़ना है और फिर यही वायर हमें ऐसे
पीछे की तरफ ऐसे मोड़ना है, तो यहाँ पे ऐसे स्लाइट राइट एंगल आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल ऐसे वायर घूम के फिर हमने इसको सीधा किया, क्योंकि यहाँ पे हम ईयर हुक बनाएंगे। ईयर हुक बनाने के लिए हम पिन यूज़ करेंगे, और ये फ्रंट व्यू है तो हमें इससे पीछे की तरफ इस तरीके से ऐसे पकड़ना है और फिर इस वायर को ऐसे घुमा लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल राउंड में ये बन गया, और अभी हमें थोड़ा सा और पीछे की तरफ इसको ऐसे फोल्ड करना है, और फिर आप देख सकते हो कि ऐसे इस तरीके से ये झुमकी ईयरिंग जो है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगी। आप चाहे तो इसको लंबा भी रख सकते हो, मैं थोड़ा इसको कट करूँगी। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड लुक तक मैं इसको रखूँगी, और एक्सेस पोर्शन जो है वो हम यहाँ पे कट करेंगे। कटिंग एज यहाँ पे जो है थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, ताकि ये ईयरिंग जो है पहनते वक्त बिल्कुल दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार ये इतने आसान और इजी तरीके के साथ ये झुमकी जो ईयरिंग है वो हमने रेडी किए। ऐसे ही मैं दूसरा पीस भी रेडी करके यहाँ पे ले रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना आसान और इजी तरीके के साथ हमने ये झुमका ईयरिंग बनाया है। और यहाँ पे हमने जो ईयर हुक बनाया है झुमका अटैच करने के लिए, ये झुमका बनाने के लिए, ये हमने वायर के साथ ही इसको रेडी किया है। तो आप ये जो ईयरिंग है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके का और भी ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए इसके आगे भी ज़रूर लेके आऊँगी। ये मेरा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। इस ट्यूटोरियल के साथ जो व्यूवर्स आज हमारे चैनल के साथ नए से जुड़े हुए हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्रिएटिव, इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मैं आपके साथ इसके आगे भी ज़रूर मिलती रहूँगी। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।